ओके सो हेलो एवरी वन हाउ आर यू ऑल गाइज आई होप दैट वी गाइज आर लाइव ओवर यर राइट नाउ यस बचा फाड़ी हाउ आर यू डूइंग एवरी वन ओवर यर आई होप दैट आई होप दैट यू आर एप्सल्यूटली रेडी राइट एप्सोल्यूटली रेडी बहुत मजा आने वाला है आज हम लोग इस टॉपिक को खत्म करने वाले हैं राइट 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 तो कौन कौन है यहां पर पुलकित सेठी रणवीर सिंह निखिल स्नेहा स्नेहा जी स्नेहा गुप्ता राइट right? स्नेहा जी सो टोनी देन परी देन अरस प्रणय बिलाल खान देन तुषार अनुराधा उज्जवल, देन वी हैव मानसी ईशान देन, देन गायत्री प्रज्ञा देन गोविंद वेदांत रोशनी किरण ईशान रोहिणी पलक अंकुश अबेल ओके अमेजिंग गाइस अमेजिंग 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 बहुत सारे बच्चे हैं सबका नाम नहीं ले पाएंगे लेकिन हाँ हाँ शुरुआत करेंगे ठीक है शुरुआत करेंगे यार जल्दी से यार फटाफट से फटाफट से लाइक वाइक मार दो यार मतलब ठीक है यस yes, फटाफट से बच्चा पार्टी लाइक वाइक लगा दीजिए जल्दी 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 ठीक है एंड uh, शुरुआत करते हैं शुरुआत करते हैं हाउ आर यू सर आई एम एब्सोल्युटली अमेजिंग हाउ आर यू गाइस हाउ आर यू डूइंग ऑसम 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 चलिए ऑलरेडी डन तो शुरुआत करते आज खत्म होने वाला है चैप्टर नंबर टू बिजनेस इकोनॉमिक्स का so, का चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है आज खत्म होगा 120 बीसीके के तीन चैप्टर्स कर लिए हैं कौन से कौन से तीन कर लिए हैं वन कर लिया है फाइव कर लिया है सिक्स कर लिया है वन फाइव सिक्स आर डन ठीक है हमारे टू टू ट्वेंटी हैं अभी तक आज 40 उसमें ऐड कर देना मतलब 36, 46, 56, 66 मतलब आज जब ये लेक्चर एंड होगा तो हमारे 266 सिक्स कवर हो जाने चाहिए एंड दिस इज आर लेक्चर नंबर लेक्चर नंबर कौन सा सेवन चलिए awesome ट स्टार्टेडी ओके क्या है भाई कितना हो गया हमारा एटी हो गया राइट एटी वन से शुरुआत करनी है आज ओके रहा आपके सामने ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने सो यस एवरीवन just check it out over here right here right now when the supply curve moves to left it means that lesser quantity is supplied at a given price larger quantity is supplied at a given price prices have fallen and quantity supplied uh, is supplied at a lower price none of the above what is going to be the right answer for this what is going to be the right answer for this सो so, यहां पर सारे बच्चे कह रहे ए ए ए ए ए ए ए, ए राइट बिल्कुल सही जवाब है ए इज द राइट आंसर गाइस ए इज द राइट आंसर बिकॉज यहां पर ये कर्व कुछ होता है इस तरह एट ए गिवन प्राइस राइट एट ए गिवन प्राइस ये हमारा सप्लाई कर्व ये सप्लाई कर्व ये नया सप्लाई कर्व ठीक है सो इट मूव्स टू द लेफ्ट

ए ए ए, 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 ए ए ए बोलो ए फॉर अक्की भैया राइट ए फॉर अक्की भैया ओके ऑसम तो कल जो हम लोग ने रिवीजन किए थे ना चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड कल जो किए थे ना देखो उसी पर सवाल है बेटा कल हम लोग ने चार ग्राफ ड्रॉ किए थे और इतने सारे एमसीक्यूज निकाले थे उसमें से देखो 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 काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है आज ऑलरेडी उस पर कितने सारे सवाल है यार और कितने पूछेंगे और कितने पूछेंगे ठीक है यस yes. चलिए आगे बढ़ते हैं द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिफाइंड एज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिफाइंड एज

रिस्पांसिस सो so, यहाँ पर अगेन ए फारक्की भैया ए फार अक्की भैया अगेन द आंसर इज ए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गड़बड़ा जाते हैं आंसर में पूछा इलास्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई और बच्चे लिख कर आते हैं सी लेकिन सी में है क्वान्टिटी डिमांडेड तो सी इज नॉट गोन बी द राइट आंसर ये डिमांड डिमांड जब आ रहा है तो ये तो कुछ सवाल ही नहीं आता है बच्चा ये लिख देता है लेकिन आंसर होता है ऑफ ऑफ सप्लाइड अ गुड टू द चेंज इन इट्स प्राइस टू द चेंज इन इट्स प्राइस ठीक है समझ में आ भी गई हो समझ में आ भी गई हो ऐसी गलती कोई नहीं करेगा कोई नहीं करेगा राइट चो राइट चो इजी कैसे सवाल है यार मतलब Easy peasy. Right? Elasticity of supply is measured by dividing the percentage change in the quantity supplied of a good by percentage change in the income, percentage change in the quantity demanded, percentage change in the price, and percentage change in the test and preference. Test and preference. So, the right answer over here is "Bilkul sahi Jawab. C is the right answer. सी इज द राइट आंस गाइज ऑसम 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 चलिए अमेजिंग गाइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज जीरो मतलब वॉट अरे भैया अरे भैया ये है देखो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज जीरो माने क्या परफेक्टली इन इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई अरे क्या हो रहा है आज मजाक सारे आंसर ए, 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 ए आ रहे है पांच क्वेश्चन तो कभी कभी क्या बच्चों को कभी कभी यकीन नहीं होता है क्या यकीन नहीं होता है अरे नहीं यार कंटिन्यूसली ए आंसर नहीं हो सकता है मतलब उसका सही आंसर पता है तो भी वो क्या बोलता है नहीं नहीं कंटिन्यूस ए आंसर नहीं हो सकता है, इसको अपन बी कर देते हैं इसको अपन सी कर देते हैं अपन ठीक है इसको चेंज करते हैं ऐसा भी करते हैं कुछ कुछ बच्चे ऐसा भी कुछ कुछ बच्चे करते हैं सच्ची सच्ची बता रहा हूं ठीक है ए फॉर अक्की भैया से प्यार है हम लोगों को इसलिए वेरी गुड बेटा वेरी गुड वेरी गुड ठीक है आईसीआई को भी पता है अक्की भैया ऑसम है बिल्कुल सही बा, बात कहा बेटा एम सी क्यू बी ए फॉर अक्की भैया के फैन है बिल्कुल सही बिल्कुल सही जवाब ऑसम ठीक है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन वन

if the quantity supplied is exactly equal to 1 to the relative change in the price of the elasticity of the supply is unitary 1 1 1 right? okay amazing amazing right? okay oh 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 it's going to बताइए बच्चा पार्टी न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए खमन न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए ओके सो प्राइस ऑफ द डिक्रीजेस फ्रॉम द सिक्स टू फोर एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड इंक्रीजेस फ्रॉम टेन टू फिफ्टीन फाइंड द को इफिशियंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी फाइंड द को इफिशियंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी सो एंड गर्ल्स आउट मुझे बताइए आप लोग यहाँ पर कौन सा फार्मूला को यूज करोगे कौन सा फॉर्मूला को यूज करोगे खमन टेल मी करोगी टेल मी विच फार्मूला यू आर यूज ओवर कौन सा फार्मूला आप लोग यहां पर इस्तेमाल करने वाले हो कौन सा फॉर्मूला तुम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हो यहां पर तुम लोग परसेंटेज परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करोगे मतलब यहां पर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी द होल अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इन टू हंड्रेड ठीक है तो ये वाला परसेंटेज परसेंटेज का फॉर्मूला होता है परसेंटेज का फॉर्मूला राइट डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू हंड्रेड द होल अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी इंटू हंड्रेड

0.5, 1.5, राइट राइट द सप्लाई फंक्शन इज गिवन एज यहां पर मजा आने वाला है यहां पर मजा आने वाला है भाई मजा आने वाला है क्योंकि यहां पर क्या है पॉइंट मेथड पॉइंट मेथड अब बताइए बच्चा पार्टी क्या आएगा यहां पर अब बताइए क्या आएगा यहां पर the supply function is given as q is equal to minus 100 upon minus 100 plus 10 plus p find the elasticity using the point elasticity when the price is 15 तो यहां पर हम आपको कहना चाहते हैं ध्यान से समझने की कोशिश करना सप्लाई का जो फंक्शन होता है सप्लाई फंक्शन क्या होता है सप्लाई फंक्शन dq upon dp ठीक है डी क्यू अपॉन ये सप्लाई फंक्शन होता है और अगर 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 ये डी क्यू अपॉन डी पी इंटू 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 क्या है इंटू क्वांटिटी अपॉन प्राइस क्वांटिटी अपॉन प्राइस ठीक है ये आप लोगों ने कर दिया ये आप लोगों ने कर दिया तो ये जो है ना टेन टेन जो है ना यहां पर तुम्हारे पास जो टेन है ये डी क्यों ये ये टेन है ठीक है ये है सप्लाई फंक्शन तुम्हारा फिर अपन पहले क्या करेंगे यहाँ पर अपन पहले क्वांटिटी फाइंड करेंगे अपन पहले क्वांटिटी फाइंड करेंगे और फिर अपने पास प्राइस दिया गया है और फिर वो फार्मूला में हम लोग करेंगे और फार्मूला में फार्मूला में डालने के बाद अपने को आंसर क्या मिलेगा अपने को आंसर मिलेगा थ्री सेम टू सेम तुम्हारे स्टडी मटेरियल में सप्लाई के चैप्टर में ऊपर के साइड पर दिया गया है सेम एक एक न्यूमरिकल का भी फर्क नहीं है यहां पर ठीक है एक न्यूमरिकल का भी फर्क नहीं है पूरा की पूरा सेम टू सेम दिया गया है सेम टू सेम क्वेश्चन दिया गया है प्लीज़ 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 उसको ज़रा देख लीजिएगा सप्लाई फंक्शन जो है वो ये डी क्यू ओपन डी पी है जो कि टेन होता है उसके बाद में पी अपने पास ऑलरेडी है राइट right? पी अपने पास ऑलरेडी है माइनस हंड्रेड दिया है क्वांटिटी तुम्हारी पचास आ जाएगी सो पचास ठीक है पचास जो है क्वांटिटी तुम्हारी उसको डिवाइडेड बाय तुम फिफ्टीन कर देना ठीक है और इस फॉर्मूला में डाल देना फॉर्मूला में डी क्यू ओपन डी पी इंटू क्यू ओपन पी सो यू विल गेट द आंसर यू विल गेट द आंसर ठीक है ऑसम ऑसम अनिकेत कह रहा है सॉल्व प्लीज अनिकेत भैया अब सुनिए मेरी बात को ठीक है हमने तुमको समझा दिया है कैसा करना है ये पूरा पूरा सॉल्व एग्जाम्पल तुम्हारे बुक में है चैप्टर नंबर थ्री सप्लाई में सप्लाई फंक्शन में सेम टू सेम एक नंबर का भी फर्क नहीं है मैं आशा करता हूं कि इतना तो तुम सॉल्व कर देना सॉल्व किया हुआ प्रश्न है सॉल्व किया हुआ प्रश्न है अंकित भैया ठीक है इतना तो कष्ट उठा ही सकते हो क्योंकि हमें बहुत कुछ कवर करना है ठीक है अब वो फॉर्मूला बता दिए हैं कहाँ पर है कहां वो भी बता दिए हैं इतना तो कष्ट कर लो बेटा सप्लाई फंक्शन बता दिए है फाइंड करना है फिर फॉर्मूला में सिर्फ डालकर या मै, सिंपल मैथमेटिक्स सॉल्व करना है ठीक है बुक जरा खोल दो बेटा बुक को भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ भाई इस बच्चे ने बुक तो खोली एटलीस्ट लीस्ट हाँ थोड़ा दया करेगा वो तुम पर अब जब मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ ठीक है अब मैं सारी चीजें बता रहा हूं कि कहां पर क्या क्या दिया गया है और इसको सॉल्व कैसे करना है इसके बाद भी तुम बोल रहे हो कि सॉल्व बेटा ये टेंथ का बच्चा भी सॉल्व कर लेगा एट्थ का बच्चा भी सॉल्व कर लेगा भाई ठीक है इतना बताने के बाद तो टेंथ का बच्चा भी कर ही लेगा भाई चलिए कोई बात नहीं है कोई बात नहीं है ठीक है ओके uh, तो यहां पर तो यहां पर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं द फिगर द बजट कॉन्स्ट्रेंट ऑफ द कंज्यूमर विद इनकम ऑफ रुपीज नाइन हंड्रेड टू स्पेंड ऑन द टू कमोडिटीज ने आइसक्रीम एंड चॉकलेट तो यहां पर ये है आइसक्रीम ये कितना प्राइस है आइसक्रीम का आइसक्रीम का क्वांटिटी कितना है 45 फाइव तो यहां पर और ये चॉकलेट है ठीक है तो बताइए बच्चा पार्टी बजट कंस्टेंट नाइन हंड्रेड रुपीज का है हमारे पास इस डायग्राम को देखकर आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए क्या लगता है क्या लगता है बी बी क्यों लगता है ओके सारे बच्चों को बी लग रहा है सारे बच्चों को भी लग रहा है चलिए देखते हैं बी मतलब क्या होता है ठीक है ट्वेंटी तो ट्वेंटी इंटू फोर्टी फाइव ट्वेंटी इंटू फोर्टी फाइव कितना होता है नाइन हंड्रेड यहां पर प्लस कितना है कितना है टेन इंटू नाइनटी ठीक है हमारे हिसाब से तो ये गलत लग रहा है हमें हमारे हिसाब से तो गलत लग रहा है क्योंकि उसके पास नाइन हंड्रेड रुपीज ही है नाइन हंड्रेड रुपीज ही है बी कैसे बोल रहे हो बे तुम लोग सी ट्राई करते हैं सी ट्राई करते हैं ठीक है फोर्टी फाइव क्वांटिटी है इंटू टेन फोर फिफ्टी प्लस प्लस कितना है फाइव फाइव इंटू नाइनटी 90 इंटू फाइव ये कितना होता है वे यह नाइन हंड्रेड होता है तो आंसर सी होना चाहिए ना अच्छा ये सोचा था कि अच्छा ये इतना इजी है मैं भी ना हाँ बेटा तुम भी सारे के सारे जो आंसर बी कह रहे थे आईसीआई का मॉड्यूल खोलकर बैठा है और सी कह रहे हैं आंसर बी कह रहे हैं आंसर तुम्हारे आईसीआई की बुक में ये बी दिया गया है लेकिन हमका लगता है कि ये सी आंसर होना चाहिए हमने प्रूफ कर कर दिखाया है आपको ठीक है सारे के सारे बुक लेकर बैठे हैं हा इसका आंसर सी होना चाहिए सब धोखेबाज निकले सारे के सारे धोखेबाज निकले सिर्फ किसी ने दो तीन लोगों ने सी कहा था यहां पर अच्छे से सिर्फ दो तीन लोगों ने सीखा था यहां पर कुछ बच्चों ने कुछ 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 बच्चों ने धोखेबाज़ मतलब मेरा दिल तोड़ दिया तुमने इस आंसर में यार चंद से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लागे जग सुना सुना लागे रे क्या कर रहे हो यार तुम लोग ऐसे मत करो यार तुम लोग बुक खोलकर चीटिंग कर रहे हो यह हमका नहीं चलेगा चीटर राहुल इज चीटर राइट यस चलिए ओके सो गाइस गर्ल्स आउट देयर आई होप दैट यू गॉट इट वाइट इज सी इट इज सो सिंपल राइट इट इज सो सिंपल ठीक है ठीक okay, so, so so right? so है ओके बच्चा बच्चा पार्टी पार्टी मेरे को एक मिनट 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 देना इन मैं में ठीक है बताइए जल्दी से बताइए क्या हम लोग फिर से हम लोग फिर से यहाँ पर लाइव आ चुके हैं यस एवरी वन यस एवरी वन ओके वी आर बैक अगेन गाइस चलिए ऑसम कॉफी ऑलवेज टोटल एक्टली हंड्रेड रुपीज पर वीक ऑन द कॉफी द स्टेटमेंट इम्प्लाइज दैट बताइए बच्चा अर्जुन थोड़ा सा क्या समझदार नहीं है क्या मतलब नो मैटर व्हाट इज द प्राइज ऑफ द कॉफी अर्जुन ऑलवेज स्पेंड टोटल एक्जैक्टली रुपीज हंड्रेड अर्जुन क्या ये क्या मतलब क्या कर रहा है भाई तू कम है ज्यादा है कोना फर्क नहीं पड़ता है इसको चलिए देखते हैं अर्जुन इज वेरी फॉन्ड ऑफ कॉफीपुर And inelastic demand for coffee arjun has elastic demand for coffee arjun demand for the coffee is relatively less elastic and arjun demand for the coffee is unit बताइए, what is the answer guys कुछ बच्चे ए कह रहे हैं कुछ बच्चे बी कह रहे हैं कुछ बच्चे डी कह रहे हैं तो बताइए बच्चा फाड़ी क्या है सही जवाब द राइट आंसर ओवर हेयर इज द राइट आंसर ओवर हेयर इज डी बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में अगर सारे के सारे ऑप्शन ठीक से नहीं पढ़ते हैं तो आंसर ए लिखेंगे ए क्यू इन इलास्टिक डिमांड की वजह से क्योंकि वो देखता नहीं है प्राइस की तरफ लेकिन भैया क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए ए आंसर नहीं होने वाला है क्यों क्योंकि ये एक्जैक्टली हंड्रेड रुपीज पे करता है एग्जैक्टली हंड्रेड मतलब पहले अगर बीस रुपया की कॉफी थी तो वो पांच बार पीता था अब पच्चीस रुपया की कॉफी हो गई तो वो चार बार कॉफी पीता है लेकिन हंड्रेड रुपीज ही खर्च करता है तो उसको यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं उसको यूनिटरी इलास्टिक के के कहते हैं वो ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि वो पांच बार ही पिएगा तो 125 होगा नहीं सो ही रुपया खर्चा करेगा अगर पचास रुपए की भी कॉफी हो गई ना तो वो दो बार पिएगा लेकिन सौ रुपया ही खर्चा करेगा तो यहां पर आंसर है डी अर्जुन हैज द डिमांड फॉर द कॉफी इज यूनिटरी इलास्टिक समझो लॉजिकल था लॉजिकल था बिल्कुल यहां पर एक्सीडेंट बहुत सारे लोगों का हुआ रहेगा मेरे को पता है मार्क करो इसको अच्छा क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है ठीक है अब देखो बेटा अब देखो बेटा ठीक है यस आगे बढ़ते हैं फॉर्म लर्न मार्क करो एक्सीडेंट था वो, मार्क कर दो इलास्टिसिटी क्या है 3.5। What would be वुड बी द करेक्ट एक्शन फॉर द take टू टेक इफ इट raise टू रेज द टोटल रेवेन्यू रेज द टोटल रेवेन्यू तो अगर ये इलास्टिक है

प्राइस ऑफ कोर्स मुझे प्राइस लो करनी पड़ेगी सो so रेवेन्यू इनक्रीज होगा तो ए फॉर अक्की भैया इज द राइट आंसर अगेन ए फ पर मैं कहूंगा कि 90 के बाद जो है मतलब 80 के बाद जो है थोड़े से क्वेश्चन को टाइम देना पड़ेगा शांति से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि लॉजिकल सवाल है थोड़े थोड़े से लॉजिकल सवाल है ठीक है अब देखना एट हाइर प्राइसेस पीपल डिमांड मोर ऑफ सर्टन गुड्स एंड नॉट फॉर दियर वर्थ बट फॉर द प्रेस्टिज वैल्यू अरे प्रेस्टीज वैल्यू ऑब्वियसली है अगेन है अगेन है आज तो मान ही नहीं रहा है इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट आज मान ही नहीं रही है ए फर्क की भैया ए फर्क की भैया ए फर्क की भैया ए फर्क की भैया इंस्टीट्यूट को मानना ही नहीं है आज राइट right? इंस्टीट्यूट को आज मानना ही नहीं है मतलब सारे के सारे ए फर्क ए फर्क की भैया ए फर्क की भैया ए फर्क की भैया ठीक है इफ द प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर इंक्रीजेस फ्रॉम तीन तीस हजार से तीस हजार दस द रिजल्टेंट चेंज इन द प्राइस इज

साहब, अगेन ए फर्क भैया बहुत प्यार करते हैं इंस्टीट्यूट बेटा मुझसे इतना प्यार देखो कंटिन्यूसली दे, सारे के सारे ए सारे के सारे ए, गिवन द फॉलोइंग फोर पॉसिबिलिटीज गिवन द फॉलोइंग फोर पॉसिबिलिटीज विच वन विल रिजल्ट इन द इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर टोटल एक्सपेंडिचर कब इंक्रीज होगा डिमांड इज यूनिट इलास्टिक एंड प्राइस राइजेस नो डिमांड इज इलास्टिक एंड प्राइस राइजेस नो डिमांड इज इन इलास्टिक एंड प्राइस फॉल्स नो डिमांड इज इन इलास्टिक एंड प्राइस राइजेस अपने को खर्चा बढ़ने वाला है ठीक है अपना खर्चा बढ़ने वाला है खर्चा बढ़ने वाला है मतलब यहां पर डी डिफोर्ट आकाटेन होगा क्यों मैं बताता हूं आपको टोटल एक्सपेंडिचर यहां पर कंज्यूमर का इंक्रीज होने वाला है ठीक है टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने वाला है तो डिमांड जो है वो पांच क्वांटिटी की है ठीक है और प्राइस पहले कितना था प्राइस पहले बीस रुपया था तो मैं सौ रुपए का खर्चा करता था डिमांड अभी क्या है रिजल्ट इन इंक्रीज इन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर ठीक है डिमांड इज इन इलास्टिक डिमांड अभी फिर से पांच रुपया ही है द प्राइस राइजेस प्राइस राइजेस तो यहां पर कितना हो गया वन ट्वेंटी फाइव

अरे लॉजिकली देखो ना यार थोड़ा सा मैंने क्या बोला थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा यार मतलब थोड़ा 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 तो सोचो सोचो सा सा यस हा, ये कौन है इसको इसको चश्मा दो रहे है कोई तो बोलता है बी सेम है बोले एक ऐसा कंटाप लगाएंगे तुम्हें अभी हाँ इलास्टिक बोला है समझता है तुमका चश्मा दो बे इसको कोई हा कौन था वो पकड़ो उसको जिंदा पकड़ो उसको बी सेम में अरे भाई आंसर तो ठीक से पढ़ गलत हुआ सही हुआ वो तो अलग की बात है वो तो डिफरेंट बात है ऑल टूगेदर तुम्हारा गलत भी होता है तो चलेगा लेकिन एटलीस्ट तुम आंसर तो ठीक से पढ़ो बे हाँ आंसर तो ठीक से पढ़ो भाई चलिए ओके okay, चलिए कोई खाना बात नहीं है आगे बढ़ते हैं द सप्लाई कर्व शिफ्ट टू राइट बिकॉज़ ऑफ बताइए बता पार्टी कौन एवरीवन बहुत ही आसान है ये ये मेरा फेवरेट है ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट है ये मेरा फेवरेट सवाल है इंस्टीट्यूट का भी फेवरेट सवाल है ये बताइए अरे बताइए आंसर क्या होगा इसका इज द राइट आंसर अरे कौन डी बोला, हा? बोला? अलेक। ओ अलेक भाई क्या तुम वो वीडियो देख कर आए हो कि कैसे रॉन्ग इंप्रूव टेक्नोलॉजी भैया आज इंस्टीट्यूट मानता ही नहीं आज इंस्टीट्यूट बोल रहा है की 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 भैया 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 या फिर रहेगा टेन चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद द प्राइस फॉल्स द क्वानिटी डिमांडेड फॉल्स सीजनल चेंजेस डू नॉट अफेक्ट द सप्लाई ऑफ द कम्युनिटी द टैक्स एंड द सब्सिडीज डू नॉट इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ द कम्युनिटी लोअर कॉस्ट इट इज प्रॉफिटेबल टू सप्लाई मोर ऑफ द कमोडिटीज बताइए बच्चा पार्टी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बच्चा पार्टी बताइए वॉट इज द राइट आंसर विथ द लोअर कॉस्ट इट इज प्रोफिटेबल टू सप्लाई मोर ऑफ दिटी डी फॉर डाकाटे भाई साहब आज तो मतलब हद हो गई है ठीक है चेंज नहीं हो रहा यार मैंने तो नहीं किया है ये सेट इंस्टीट्यूट का है ये इंस्टीट्यूट मानी नहीं रही आज तो आज मानना ही नहीं है मतलब भाई 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 देखो कॉस्ट कम होगा मतलब प्रॉफिट ज्यादा होगा प्रॉफिट ज्यादा होगा तो सप्लाई ज्यादा होगा दैट्स इट द द द द द द डिमांड इज मोर देन सप्लाई प्राइस प्राइस ऑन ऑन प्रेशर प्रेशर विल बी अपवर्ड 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 अरे सलमान भाई की मूवी लगती है तो डिमांड भी ज्यादा होती है जब डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई कम होता है तो सलमान भाई की मूवी जब लगती है तो प्राइस भी इंक्रीज होता है अपवर्ड प्रेशर ऑन द प्राइस ए फॉर अकी भैया ए फॉर अकी भैया ए फॉर अकी भैया ए फॉर अकी भैया अगेन ए फॉर अकी भैया

तो राई ब्रेड का अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो यहाँ पर यहाँ पर हमारे वीट ब्रेड का क्वांटिटी इंक्रीज होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव है ना इन दोनों का संबंध क्या है इन दोनों का संबंध पॉजिटिव है इन दोनों का संबंध पॉजिटिव एक की प्राइस बढ़ती है दूसरी की क्वांटिटी बढ़ती है पॉजिटिव ए भैया ए फॉर अकी भैया ए फॉर अकी भैया ए फारैया

अरे क्यों सर निगेटिव क्यों होगा सर कंप्यूटर और पर्सनल और सॉफ्टवेयर तो रिलेटेड है एक दूसरे से सर इसीलिए तो निगेटिव होगा भाई कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री के केस में मैंने आपको बोला था निगेटिव स्लोप अरे भूल गए क्या कल के रिवीजन में बताया था मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री के केस में कंप्यूटर का प्राइस अगर कम होगा तो सॉफ्टवेयर ज्यादा होगी क्यों क्योंकि लोग कंप्यूटर ज्यादा परचेस करेंगे तो सॉफ्टवेयर भी ज्यादा परचेस करेंगे तो यह निगेटिव स्लोप है कॉम्प्लीमेंट्री है कॉम्प्लीमेंट्री कल मैंने बताया था आपको ये सब कुछ ठीक है ऑसम द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन द ब्रेड एंड डीवीडी क्या मजाक हो रहा है सर ब्रेड एंड डीवीडी का क्या संबंध है कुछ संबंध नहीं है जीरो कुछ संबंध नहीं है जीरो कुछ संबंध नहीं, नहीं है जीरो 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 अरे कंजूस बच्चों लाइक वाइक तो करो यार इतना मेहनत कर रहे हैं हम यहां पर और तुमसे एक लाइक नहीं हो रहा है मतलब मजाक हो गया है मजाक फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद ऑफ़ स्टैटिस्टिकल टूल्स कैन बी फोरकास्टेड एक्यूरेसी, एक्सी मोर नंबर ऑफ सब्सिट्यूट ऑफ नंबर ऑफ मोर इलास्टिसिटी डिमांड फॉर इजेक्टलीगेटिव है पहली बार ऐसा पहली बार हुआ है सत्रह अतरा साल हो गए कल हम लोगों ने बताया था तुमको डिटरमिनेट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी मोर द दिट्यूट मोर द इलास्टिक मोर द दिट्यूट मोर द इलास्टिसिटी कल ही बताया था अरे कल ही रिवीजन लिया था संडे के दिन संडे के दिन जब रिवीजन लिया था दो घंटे का डिमांड का रिवीजन लिया था जाकर देख लो उसमें मैंने लास्ट में प्राइस इलास्टिसिटी डिटरमिनेट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी में बताया था आप लोगों को मोर द सब्सिट्यूट मोर द इलास्टिसिटी ओके अमेजिंग ये बड़ा मस्त क्वेश्चन मेरे को बड़ा पसंद है ये क्वेश्चन ठीक है मेरे को बहुत पसंद है ये क्वेश्चन ठीक है अब देखना यह क्या बोला है अब देखना बेटा ये क्या बोला है सपोज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ एजुकेशन इन प्राइवेट स्कूल इज थ्री पॉइंट सिक्स ठीक है प्राइवेट स्कूल वॉट डज दिस इंडिकेट प्राइवेट स्कूल एजुकेशन इज हाइली वॉन्टेड बाई रिच लग रहा है भाई प्राइवेट स्कूल एजुकेशन इज नेसेसिटी आज की तारीख में सो लग रहा है सर ये भी सही लग रहा है प्राइवेट स्कूल एजुकेशन लग्जरी ये भी लग रहा है सर वी शुड हैव मोर प्राइवेट स्कूल सर सब कुछ सही है सर सब कुछ सही है सर ऐसा कंफ्यूज कर रहे सर हमको अरे बेटा देखना है डेटा के हिसाब से क्वेश्चन क्या पूछा है तुमको इमोशनल होकर ये नहीं बताना है हाँ, मेरे कि ओपिनियन नहीं पूछा है हिसाब से जाने है तेरा ओपिनियन किसने पूछा क्या यहां पर थ्री दिया गया है थ्री मतलब क्या है मोर इलास्टिक है मतलब ये लग्जरी में आता है That's it. दैट्स इट लग्जरी के केस में क्या होता है ग्रेटर देन ना तो हो गया ना लग्जरी के केस में ग्रेटर देन बस तुम्हारा ओपिनियन नहीं पूछा है तुमको क्या लगता है क्या नहीं लगता है वो तुम साइड में रखो यहां पर तुमको डेटा के हिसाब से जवाब देना पड़ेगा आई एम नॉट आस्किंग योर ओपिनियन ओवर हियर राइट बच्चे को क्या लगता है वहां पर पता है? अरे सारे के सारे सही लग रहा है मतलब मुझे लगता है कि कोई भी आंसर टिक किया तो इंस्टीट्यूट सही जवाब देगी कंटाप लगाएंगे एक सही जवाब दे कौन सा भी दिया तो भी सही मजाक है ये मजाक है कोई भी दिया तो सर सही लग रहा है मतलब मार्क्स तो मिलेगा यहां पर हा चलिए ऐसा नहीं होता है ओके ओके इफ द ऑर्गेनाइजर्स इफ द ऑर्गेनाइजर्स इफ द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन अपकमिंग क्रिकेट मैच डिसाइड टू इंक्रीज द टिकट प्राइस इन ऑर्डर टू रेज द रेवेन्यू ठीक है इंक्रीज द टिकट प्राइस इन ऑर्डर टू रेज द रेवेन्यू वॉट हैव लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इज दैट, बताइए पढ़िए पढ़िए, भाई, बताइए, द परसेंटेज इंक्रीज इन द टिकट रेट्स विल ऑलवेज भी इक्वल टू दर्सेंटेज चेंज इन द टिकट सोल्ड द परसेंटेज इंक्रीज इन द टिकट रेट्स विल ऑलवेज भी ग्रेटर दर्सेंटेज Decrease in the tickets sold. The percentage increase in the ticket rates will be less than the percentage decrease in the ticket sold. And A and C above are true. Upcoming cricket match decide to increase the ticket price in order to raise the revenues. We have learned that the increase in the ticket rate will also always be greater than the decrease in the tickets sold. Absolutely beta. B is the right answer. Awesome. प्रैक्टिकल सवाल है आसान सवाल है ठीक है सिर्फ ये बड़े बड़े ऐसे लॉन्ग ऑप्शन दिए गए ना इसलिए सिर्फ क्या लगता है डर लगता है इसलिए सिर्फ डर लगता है बाकी और कुछ नहीं है बेटा फटाफट यार यार्टी टू अपन है एक सौ छो एक सो बीस तक पहुंचना है मतलब कितने बचे अपने पास तीन थर्टीन थर्टीन एमसीक्यूज थर्टीन एमसीक्यूज यू हैव टू बी फास्ट गाइज आर यू रेडी आर यू रेडी कमन यार आज खत्म करना है आज खत्म करना है ठीक है चलिए बी क्यू बेटा तुम्हारा थोड़ा सा देखो ये बड़े ऑप्शन में थोड़ा सा प्रोसेसिंग स्लो होता है दोबारा पढ़ लो समझ में आ जाएगा आसान है दोबारा पढ़ लेना समझ में आ जाएगा आसान है ठीक है बहुत आसान है चलिए आगे बढ़ते हैं कॉपरेट करोगे कॉपरेट करोगे थोड़ा सा भागना होगा बेटा थोड़ा सा सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा नहीं थोड़ा सा Data on the production of vegetables for the past two years have shown that despite the stable prices, there is substantial decline in the output of the cabbage leading to the lower supply in the market. Which of the following can be possibly the reason? Data of the production vegetables for the past two years showed that despite of the stable prices, stable prices, there is substantial decline in the output of the cabbage leading to the lower supply into the market. Which of the following can be possibly be the रीज़न uh, एकदम अच्छे से पढ़ो बच्चा पार्टी कम आवरी वन फटाफट से फटाफट से पढ़ो इसको क्या है एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉलीफ़्लावर विल इक्वली प्रेफर्ड बाय द कंज्यूमर्स अनाउंसमेंट ऑफ द सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट ऑन द वेजिटेबल प्रोडक्शन मोर फार्मर्स प्रोड्यूसिंग कैबेज एंड इंक्रीजिंग द कॉम्पिटिशन अमंगस प्रोड्यूस करते सप्लाई ज्यादा होता था वो यहाँ पर कम नहीं होता था सब्सटेंशियल डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कैप्सिकम ये कुछ भी है मतलब क्या कैबेज और कैप्सिकम का कोई संबंध नहीं है अनाउंसमेंट ऑफ द सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट ऑन द वेजिटेबल प्रोडक्शन अगर अनाउंसमेंट होता था तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा होता था तो ए इज द राइट आंसर एलिमिनेशन से भी डायरेक्टली आंसर आ रहा है एलिमिनेशन से आंसर निकाला है बेटा एलिमिनेशन से आंसर निकाला है मैं बता रहा हूँ आपको एलिमिनेशन से आंसर निकाला है हम लोग यहाँ पर अगर ऐसा भी करते तो भी हम लोग निकाल सकते हैं आंसर बिल्कुल हम लोग आंसर निकाल सकते हैं फॉलोइंग डायग्राम शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस वॉट वी इन्फर फ्रॉम द डायग्राम ये है एक्स ये वाई और ये है एक्स गुड एक्स एंड वाई आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स नहीं ऊपर जा रहा है कॉम्पलीमेंट्स तो नहीं है गुड एक्स एंड वाई परफेक्ट सब्सटीट्यूट एक सेकेंड रिमोट सब्सटीट्यूट एंड क्लोजीट्यूट परफेक्ट तो नहीं है अदरवाइज एकदम स्ट्रेट तो लाइन होती थी रिमोट तो नहीं है क्लोज सब्सटीट्यूट कह सकते हैं क्लोज सब्सटीट्यूट कह सकते हैं क्लोज सब्सिट्यूट कह सकते हैं ठीक है बिकॉज यहाँ पर ये यह फ्लैटर है क्लोज सब्सटीट्यूट है क्लोज सब्सटीट्यूट है ठीक है ध्यान 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 देना ध्यान देना, ध्यान देना. बेटा, okay, okay, okay. चलिए बच्चा पारी आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 45 हो गए यार खमान यार 10 45 हो गए द डायग्राम बिलो शोज यहां पर क्या हुआ है डिमांड मतलब नीचे गया है प्राइस सेम है डिमांड इन द इनकम चेंज इन दिमाग इन द इनकम एंड द गु इज अमल गुड राइज इन द इनकम कैसे हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड चेंज इन द डिमांड इज कॉस्ट बाई द राइज इन द इनकम

लेकिन इनकम बढ़ने के बाद भी ये गुड्स को परचेस नहीं करता है इसका तो क्वांटिटी कम हुआ है बे कम हुआ है ठीक है तो कम हुआ है मतलब ये इसको इनफेरियर गुड़ मानता है क्योंकि इसका इनकम इंक्रीज हो गया तो दूसरा गुड़ परचेस करता है ये इसको मानता है है ठीक यस अमेजिंग क्वेश्चन मार्क कर देना बेटा इस क्वेश्चन को मस्त क्वेश्चन है मस्त क्वेश्चन है ठीक है ओके okay, आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव विड बी ट्रू इफ द इवेंट प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम अकर्स यहां पर क्या हो रहा है सप्लाई डिक्रीज हो रहा है प्राइस सेम है सप्लाई डिक्रीज हो रहा है अदर फैक्टर्स के कारण अ फॉल इन द फॉल इन द वेज दॉ द फर्म विद विदॉल इन द कंज्यूमर इंक्रीजेस इनकम फॉल इन द कंज्यूमर इनकम अ शॉर्टेज ऑफ द रॉ मटेरियल एंड कंसिक्वेंस इंक्रीज इन द रॉ मटेरियल प्राइस शॉर्टेज इन द रॉ मटीरियल एंड कंसिक्वेंस इंक्रीज इन द प्राइस टैक्सेस in उससे इंक्रीज तो होता था मार्केट प्राइसिटीएन मतलब तो है ही नहीं है और ये किसके कारण हुआ है मार्केट प्राइस so, का सवाल नहीं आता है अगर इंक्रीज इन द सब्सिडी होती थी तो मेरी कॉस्ट कम होती थी सप्लाई ज्यादा होता था तो राइट वर शिफ्ट होना चाहिए था लेकिन वर

बट कोई बात नहीं यार कल कर देंगे मतलब ठीक है पांच एक क्वेश्चन बच सकते हैं द डिमांड कर फॉर अ नॉर्मल गुड आज वैसे भी थोड़े से क्वेश्चन लॉजिक लगाने जैसे थे तो देखो बेटा मैं ऐसे घाई नहीं कर रहा हूं मतलब उड़ा नहीं रहा हूं सिर्फ कंप्लीट करने के लिए ठीक है मैं बीच बीच में एक्सप्लेन भी कर रहा हूं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं ठीक है द रिमांड का फॉर द नॉर्मल गुड हैज शिफ्टेड शिफ्टेड टू द राइट विच ऑफ द फोर इवेंट्स वुड हैव कॉस्ट अ शिफ्ट फॉल इन द प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट विद द विद द प्राइस ऑफ द गुड्स अनचेंज्ड फॉल इन द नॉमिनल इनकम ऑफ द कंज्यूमर

मतलब मेरा मेरा जो कंप्यूटर है कंप्यूटर का प्राइस कम हो गया है तो फिर सॉफ्टवेयर का डिमांड इंक्रीज हो रहा है लेकिन सॉफ्टवेयर के प्राइस में कोई भी बदलाव नहीं आया सॉफ्टवेयर के प्राइस में कोई भी बदलाव नहीं आया लेकिन कंप्यूटर का नीचे गया इसलिए मेरा ये राइट में गया किसका 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 सॉफ्टवेयर का ठीक है समझ में आया समझ आया? ये देखो यार ये ये क्वालिटी क्वेश्चन है इसमें प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन दिया गया है जो थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा है अगेन आई रिपीट अगेन आई रिपीट ओवर हियर मैंने हजार बार बोला था क्रॉस इलास्टिसिटी पे प्रैक्टिकल सवाल आ सकते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी उसमें कॉम्प्लीमेंट्री बोलो या सब्सटीट्यूट बोलो उस पर हमने बोला था कि यहां पर प्रैक्टिकल सवाल आएंगे आएंगे और बिल्कुल आए हैं राइट रोलर कोस्टर राइड इज अ फंक्शन ऑफ अम्यूजमेंट पार्क visit. then if the price of the amusement park entry falls, the demand for the roller coaster ride will increase and the demand curve will shift to the right. the demand for the roller coaster ride cannot be predicted as it depends on the taste of the consumer right. there will be expansion in demand for the roller coaster as it is a complementary and none of the above. so bataye bacha party, what is the right answer over here? Obviously, यहां पर यह है द डिमांड फॉर द रोलर कोस्टर अम्यूजमेंट पार्क है रोलर कोस्टर तो उनका बेस्ट राइड है, तो है तो ये जो रोलर कोस्टर की डिमांड इंक्रीज हो रही है क्योंकि अम्यूजमेंट पार्क की फीस कम हो रही है एंट्री फीस राइट यस ओ माय गॉड्स इन द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व इज प्लॉटेड इन द फॉलोइंग टेबल व्हिच प्रेजेंट द प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ द फाइटर एयरक्राफ्ट व्हाट विल बी द शेप तो यहां पर बच्चा पार्टी यहां पर बच्चा पार्टी नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट तो 28 ही है ठीक है इसकी प्राइस 124 थी 140 थी 150 थी 160 थी 175 थी तो प्राइस जो है बेटा तो ये वर्टिकल कर वर्टिकल 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 अरे कितना इजी था ये अलग लेवल इजी था मतलब दिखने के लिए कितना डिफिकल्ट लग रहा है ऐसे लग रहा है कि बहुत टाइम लगेगा इसको तो बेटा हम लोगों ने शेड्यूल को पढ़ने की एक अच्छी ताकत अंदर गई हमारे ग्राफ और ग्राफ और शेड्यूल को पढ़ने की हमारे अंदर ऐसी खतरनाक वाली शक्ति आ चुकी है अभी ठीक है ठीक है यस इजी पीजी राइट ओ माई गॉड्स ओ माई गॉड सल्ट सर नहीं आएगा सर हमको जाने तो सर कल करते हैं नहीं सर कल करते हैं sir, जाने तो अरे नहीं बेटा करेंगे अभी करेंगे क्या क्या, क्या? रो क्या रहे हो बेटा ठीक है ये क्या है इंक्रीज परसेंटेज इन द परसेंटेज इंक्रीज इन द इनकम परसेंटेज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द गुड एक्स परसेंटेज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द गुड वाई तो ये दो गुड्स है यहां पर इनकम है तो यहां पर सिटी ए सिटी बी तो यहां पर इनकम इंक्रीज हुआ है यहां पर ये भी इंक्रीज हुआ है और ये तो माइनस है अरे माइनस है इनकम इंक्रीज होने के बाद ये माइनस है इनफेरियर बेटा ये इनफेरियर ठीक है ये इंक्रीज हुआ है ये भी इंक्रीज हुआ है ये डिक्रीज हुआ है इनकम ठीक है सो बोथ द गुड आर नॉर्मल बोथ सिटीज नो दे आर नॉट नॉर्मल भाई गुड एक्स इज नॉर्मल इन द बोथ सिटी यस गुड एक्स नॉर्मली बोलते हा गुड वाइज इनफेरियर सिटी बी नो तो यहां पर तुम्हारा आंसर है क्या बी तुम्हारा आंसर यहां पर क्या होगा बी तुम्हारा आंसर यहां पर क्या होगा बी आर यू गेटिंग इट्स आर यू गेटिंग इट एवरी वन दिस इज सो सिंपल यार दिस इज सो सिंपल ठीक है ओ माई गॉड इसको क्या बोला है इन्होंने पंद्रह और सोलह एक साथ करना ठीक है पंद्रह और सोलह एक साथ करना और इन्होंने यहाँ पर बोला है सत्रह और अठारह एक साथ करना बेटा एक काम करते हैं ना एक काम करते हैं अंशुल सर का लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा ठीक है हमको हम यहाँ पर रुक जाते हैं वन वन फोर क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने छह ही क्वेश्चन बचे ठीक है ओनली छे क्वेश्चन बचे हैं ओनली क्वेश्चन बचे हैं कल जब मैं शुरुआत करूंगा डोंट वरी एट ऑल कल जरूर आना है कल सारे दोस्तों को लेकर आना है दूसरे क्लास वाले जो कोई भी रहेंगे उनको लेकर आना क्योंकि कल है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट कल शुरू हो रहा है चैप्टर नंबर थ्री कल शुरू हो रहा है इसको पहले खत्म करेंगे और फिर जाएंगे प्रोडक्शन कॉस्ट के पास ठीक है अरे लाइक कर दो मजा मजा आ गया है तो कल बहुत इंपॉर्टेंट है कल का तुम मिस नहीं कर सकते हो अगर तुम लोगों ने मिस कर दिया तो तुम अपने लाइफ के साथ खेल रहे हो मतलब ठीक है तुम लोग अपने लाइफ के साथ खेल रहे हो कल अगर तुम लोगों ने मिस कर दिया तो ठीक है अब फटाफट से मैं बता देता हूं आप लोगों को कि आरटीपीएमटी भी बैच शुरू हो रहा है सत्रह अक्टूबर से आपको अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना होगा तो आप बिल्कुल ले सकते हो सर क्या अभी भी ले सकते हैं बिल्कुल ले सकते हो क्या इट इज वर्थ इट इट इज वर्थ इट ठीक है यहां पर बच्चा पार्टी देखना आपको जाना होगा सी फाउंडेशन को सिलेक्ट करना होगा गेट सब्सक्रिप्शन पर आपको करना होगा क्लिक आस नजीकलीवर यहाँ पर लाइट प्लस एंड आइकॉनिक है लाइट में बचा पाटी सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज है यहाँ पर आर नहीं मिलेगा टेस्ट सीरीज यहाँ पर नहीं मिलेगा यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं जी हाँ यहाँ पर प्लस एंड आइकॉनिक में इंडिया के बेस्ट एडुकेटर आपको इंटरक्टिव लाइव प्लस स्ट्रक्चर कोर्स पी डी एफ के सारी नोट तुमको तुम्हारी टीचर की भी पी मिल जाती है यहां पर आइकॉनिक में कुछ चीजें मिलती है एक्स्ट्रा जैसे कि मेंटरशिप प्रिंटेड स्टडी मटेरियल एंड डाउट सॉल्विंग गाइस यू कैन जस्ट चेक इट आउट द प्राइसेस ओवर हियर डागा 10 इज द कोड इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला यहां पर यू यू विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट व्हेन यू अप्लाई दिस कोड यू कैन जस्ट चेक इट आउट 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 8100 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन टेन थाउजेंड थ्री फिफ्टी जो मे ट्वेंटी थ्री वाले वो लोग ट्वेंटी फोर मंथस का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यहाँ पर देखिए फोर्टी फोर थाउजंडिफ्टी का है कॉम्बो सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक लेना है आइकॉनिक भी यहां पर अवेलेबल है जी हाँ बिल्कुल अवेलेबल है लाइट लेना है लाइट ले सकते हो यहाँ पर बच्चा पार्टी ऑल द डिटेल्स ऑन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन यू कैन यूज बाई कोर दैट इज डाका टेड एंड जस्ट गेट स्टार्टेड विथ यज एंड टेक योर स्टडीज लेवल टू द नेक्स्ट लेवल ठीक है चलिए सो बे टाटा टेक केयर थैंक यू सो मच एंड गाइज कल जरूर आना कल है बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास एट फोर पी एम टूडे बी सी के चैप्टर नंबर टू की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं